दोस्तों इसने करा दी बेइज्जती, आधे घंटे गाने बजाने में इसकी बैटरी पूरी बंद हो गई, कुछ भी नहीं मान रही, केक को तो मान ही नहीं रही है। अभी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारी पुरानी धनों को लेके आए है, इसकी बैटरी से धक्का लगाएंगे इसको, जम्पर देखता है होती है या नहीं होती। पोपट करा दिया जन्मदिन के अंदर इसने। चल सर एक वीडियो तो बन जा ली कुछ काला जा तो बम ले करा घर जाए वाला वीडियो चालू रख दो। तो भाई मैं तो यहां एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये मिलिंद भाई इसके अंदर प्लस माइनस देख रहे हैं। पढ़ लो मैं क्या देना चल दीजिए पहले मत दीजिए जब बंदर आ बजे इन आ बजे तू बैठ जा यूं तू बारे को कर दे लो पूरा नुकसान रुक। ये ड्राइवर ने कोशिश करी इसको चलाना भी नहीं आता, चलाना आता है स्टीयरिंग नहीं आता तेरे को मुझे पता है। अभी तेरे को चलाना नहीं आता मोटरसाइकिल भी। हां अभी बैठना मेरे साथ पीछे देख ही रहा था तुम ये खर खर की बोल रहे है क्या हो रहा है इसमें नहीं देखो विकास भाई क्या करने में लगे थे देखो इसके अंदर आवाज आ रही है सुना आराम से। ठीक है जो ये लाइट है धूप रही है क्या चक्कर है लाइट देखो ये क्या हो रहा है वैसे अंदर से तो बंद है सब कुछ चीजें अभी मैं देख रहा हूँ। ए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है लाइटों में। अरे ये नहीं वो वाली लाइट कर रही है बोल गया सर। अरे दादा कहाँ जा रहे बैटरी रन मिलिंद लगावन ये जो गाड़ पति तैयार हो चुका है वो पहले उड़े पहले से माइनस में लगा दूँगा तो ये विकास दंड के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ये मिलिंद आईट्वेंटी साथ कर स्टार्ट तो कर ही दिया तो प्लस इम माइनस को लगा दियोगे कितनी मजा आ रहा है विकास को आज पहली बार स्टर में बैठ के स्टार्ट करके रेस दे रहा है। किस पे बैठ के किस पे बैठ गई सीट स्टेरिंग सीट पर बैठ गई स्टेरिंग अब ज्यादा मत बोले नहीं तो मैं भी थप्पड़ मार दूंगा तेरे। बंदो डाली तो बटा स्टेशन डाली इन बंद मटो पा दीजो नहीं धोने में किस लेट डालो अरे यार तो बिजली बंदों को खाए वो शेर मिल जाएगा खुल रखी है
तो बंद कर दे, इन टच स्क्रीन भी बंद कर। इन भी बंद कर दिया थोड़ी देर साल में। ज्यादा रेस मत दे, आपको कैसा महसूस हो रहा है विकास जी? हमारे को बहुत बढ़िया लग रहा है कि आज अल्टो मारुति 800 के मैं खाली रेस दे रहा हूँ, चला रहा नहीं हूँ। फिर भी आपको रेस देने का मौका मिला, आप सौभाग्यशाली हो। हाँ मिले, आज आपके i20 यहाँ पर धोखा दे दी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बुरा, एक नया एक्सपीरियंस मिल गया। लेकिन ये भी काजी मिस्त्री चलो थोड़ी देर विकास जी से बातें करती है थोड़ी देर। हाँ बताइए विकास जी, आप i20 में बैठने वाले आज, इस क्या नाम इसका? मारुति 800। आप मारुति 800 में बैठ कर कैसा महसूस कर रहे हो? आज अजीब सा महसूस हो रहा है। अब इनको नहीं पता कि इसको छोड़ने के बाद इनको मोटरसाइकिल पर घर पर जाना होगा। अभी तो दोस्तों इसको मोटरसाइकिल, अभी तो इसको मोटरसाइकिल भी चलाने नहीं आता है। जो ये कैमरा मैन है ना, ये सिर्फ कैमरा ही चला सकता है, इसको गाड़ी चलाना नहीं आता। इसको मैं लेके आता हूँ और तो क्या बताऊँ, ये मेरी तरफ भी सारे कर रहा है कि ऐसे मत बोल। धीरे धीरे छोड़ देगा। अब ये विकास जी को मैं क्या बोलूँ, अब बाहर ना जा, चल बाहर निकल जा तेरे को, ये तू इस गाड़ी लायक भी नहीं है। मैं i20 चलाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो i20 है, ये तो मिलिंद की है और इसके पास एक गाड़ी है, तो अपन चलते हैं अपनी i20 में। चलो चलो भाई, वो झूठ बोल रहा था, इसकी है i20। धक्की देनी पड़ेगी अब बंद कर दे इसको, धक्की दे। आर में भी ले लीजिए, ले बस। अगर अगर आगा नहीं लीजिए, रेस दे, रेस रेस। कहाँ हेल्थ को अरे बाबी। तो हमें यहाँ पे रिवर्स में स्टार्ट हो गई। नहीं नहीं बंद नहीं करूँगा, अभी उसको करते हैं। भीम मेल दे भीम, यानी कि आज रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हो गया, इग्निशन ऑन होगा तभी कार स्टार्ट होगी। अरे विकास तू चला ले भी नहीं, तू चला ले जे। तो अब आपको यहाँ पे शुरुआत से बताता हूँ आपको कि क्या हुआ हमारे साथ। जैसे कि 15-20 मिनट या लास्ट आधे घंटे तक हमने कार में गाने बजा लिए और वो फुल वॉल्यूम में बजा दिया, और उसके बाद सब चले गए। उदित भी चला गया, यहाँ पे मुझे केक में भी कर दिया, देख सकते हैं सिर अभी भी हो रखा है। तो वो भी चले गए, विकास भी चला गया, और यहाँ पे जो पंकजवर थे जो सॉन्ग वगैरह बना रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे अगले सॉन्ग के बारे में, तो वो जाने वाले थे। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट करने की कोशिश की, तो उनको तो मैंने रोक लिया, तो स्टार्ट नहीं हुई। क्या इग्निशन ऑन नहीं हुआ, एसेसरी तो ऑन नहीं हुई। गाने बजाते टाइम हमने इसको, इग्निशन ऑन था तब इसको बंद किया था, इग्निशन ऑन था उसको बंद किया था, और लगभग 20 मिनट बाद में हमने दोबारा इग्निशन ऑन किया तो ऑन ही नहीं हुआ, जबकि पहले ऑन था और उसको बंद किया था हमने, गाने वगैरह बंद करके इग्निशन को बंद कर दिया था। इसमें होता क्या है ना, एक बार अगर इग्निशन ऑन हो जाता है तो यहाँ पे कार का स्टीयरिंग लॉक खुल जाता है और फिर हम धक्की दे के इग्निशन पर स्टार्ट कर सकते हैं कार को सेकंड गियर में। लेकिन इग्निशन ऑन नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम हो गई, फिर हमको क्या करना पड़ा,
इसकी सहायता लेनी पड़ी। तो i20 ने यहाँ पे बेइज्जती करा ली अपनी, यानी कि मारुति 800 से सहायता लेनी पड़ी। उसकी बैटरी ले गए हम, जो वायर थी जंप स्टार्ट करने के लिए वो हमारे पास बड़ी वाली मोटी वाली नहीं थी, तो उसकी बैटरी से छोटी मोटी वायर लगाई इसमें, तो इसका इग्निशन ऑन हो गया लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो फिर हमने क्या किया, थोड़ी देर उसकी बैटरी से इसको पावर दी, इसका इग्निशन ऑन हो गया, फिर रिवर्स में धक्की लगाई तो स्टार्ट हो गई है, और फिर हम इसको घर पे लेकर आ गए। तो ये क्यों हुआ, इसका मेन रीज़न ये भी है क्योंकि हम एक दो तीन मिनट तक इसके वाइपर्स को चला के इसका वाइपर वाला वीडियो बनाया था, और उससे 3-4 दिन पहले तक ये खड़ी थी, तो स्टार्ट होकर चली तो गई थी, लेकिन वहाँ पे गाने बजाने के कारण जो इसकी बैटरी में पावर थी वो ख़त्म हो गई। और इसकी बैटरी में तो वैसे 2-3 बार पहले प्रॉब्लम आ चुकी है, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो गई थी कि मान ही नहीं रही थी। इसका मतलब ये है कि अगर बैटरी टोटल डिस्चार्ज हो जाती है, यानी कि टोटल डिस्चार्ज यानी कि इग्निशन ने और एसेसरीज कुछ भी ऑन नहीं हो, तो यहाँ पे कार को धक्की देके भी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्टीयरिंग लॉक भी नहीं खुलेगा। जो मैनुअल की वाली होती है उसमें तो की लगा के इग्निशन ऑन कर देते हैं, स्टीयरिंग लॉक खुल जाता है, इग्निशन भी ऑन हो जाता है, तो वो स्टार्ट हो जाती है गियर में। तो ये कीलेस वाली की बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आपको कैसे भी इग्निशन तो ऑन करना ही होगा, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगी। इग्निशन ऑन हो गया एक बार तो यहाँ पे धक्की से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे इसमें क्या है ना, पता नहीं ऑटोमेटिक यहाँ पे लाइट की जो आपको आवाज़ सुनाई थी शुरुआत में, वो लाइट की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? पूरी बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद लाइट में जैसे कि हाई बीम करते टाइम जो आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि मैं सुनाता हूँ अभी। हाई बीम करते हैं, अभी तो यहाँ पे 2 घंटे हो गए, लगभग 1-1.5 घंटे में सो लिया, फिर अभी उठ गया, तो अभी देख सकते हैं ये जो हाई बीम पर आवाज़ आती है ये आवाज़ आ रही थी। अभी स्टार्ट करके देखता हूँ इसको, अभी तो स्टार्ट हो गई। तो बस यही था, भी मन गया यहाँ पे हमारा हैप्पी बर्थडे। वैसे तो क्या ही हुआ, लगभग आधी घंटा और लगा, लेकिन अगर हम घर से ज़्यादा दूर होते तो प्रॉब्लम हो सकती थी। मैंने विकास को फ़ोन करके बुला लिया था तो हम आ गए साथ में, मैं ये कार ले गया अपनी मारुति 800। इसकी बैटरी से हमने इतनी पावर दी इसमें कि इसका इग्निशन ऑन हो गया, फिर यहाँ पे रिवर्स में धक्की लगाई गई स्टार्ट हो गई। बस यही हुआ आज के दिन में, हैप्पी बर्थडे मना लिया। हैप्पी बर्थडे के लिए केक वगैरह मेरा तो कुछ ही प्लान नहीं था, उदित ही लेकर आया था केक, और वो ही लेकर आया था कुछ खाने पीने के लिए भी नाश्ता, तो उसने ही वहाँ पर बुलाया था हमारे घर के पास में ही, सरप्राइज था उसका। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी मैं सिर धोता हूँ पहले तो।